नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया, मैं हूं राकेश। जामू हरदिया मुख्य सड़क में नवनिर्मित पुलिया हुई क्षतिग्रस्त। सिवान जिले के लकड़ीदेवीगंज प्रखंड के डुमड़ा पंचायत में किसान भवन के सामने से जामू हरदिया मुख्य सड़क पर नवनिर्मित पुलिया घटिया निर्माण सामग्री के कारण पहले बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई है। ज्ञात हो कि लगभग 8 महीने पहले सड़क नंबर LOC 61 हरदिया बीटी रोड से इमलिया मोड़ के अवशेष भाग नामक 6.300 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 318 लाख रुपये की लागत से किया गया था। इस सड़क पर डुमड़ा किसान भवन के सामने जिस पुलिया का निर्माण किया गया है वो पहले ही बरसात को झेल न सकी और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि डुमड़ा बाजार और डुमड़ा सेंटर के बीच सड़क पर कई जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसको देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सड़क निर्माण में तय मानक से परे घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, गुणवत्ता का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा गया है। डुमड़ा सेंटर बाजार के पास जल जमाव हो रहा है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने और निर्माण के कुछ ही दिन बाद सड़क पर दरारें पड़ने के कारण यातायात के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण यह सड़क आवागमन प्रभावित हो रहा है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीणों में अविनाश कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, बदशाह सिंह, शत्रुधन सिंह, मुखियापति त्रिलोकी सिंह, अनिल लाल, सुनील राय इत्यादि ने बताया कि सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी के संदर्भ में जिलाधिकारी सिवान को ईमेल से सूचना दी गई है। वहीं स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल को भी सूचित कर दिया गया है। लकड़ी देवीगंज से सुनील कुमार तिवारी की रिपोर्ट।